सर दर्द की गोलियां खा खा के सेहत का नाश मार लिया जी। रात को फिर नींद नहीं आई ना आपको? जरा नहीं सोए। बाजी आपका भी ना पता नहीं चलता। अब देखे ना, सेहत का नाश मार लिया आपने। जो किस्मत में लिखा होता है वही होता है जी। अपनी जान जलाने से जी अपना ही नुकसान होता है। मिट्टी डाले किस पे मिट्टी डालूं बेटे? हाय तौबा। बाजी आप ये भी तो सोचो ना, वो आपका बेटा है तो उसका भी बेटा है। उसने अपनी जान से ज्यादा ख्याल रखना जी, उसका उसका सहारा है जी। अगर मगर कुछ नहीं, आपको सिर्फ ये जिद है कि वो आपका बेटा उसके पास क्यों है। आम औरतों की तरह ना सोचें जी, मां बन के सोचें और दुआ करें जी आपके बेटे को अल्लाह सेहत दे, जिंदगी दे, तलीम दे। देखना एक दिन उसने आपको ढूंढ निकालना है और आपके पास ही आ जाना है। इसलिए मैं कहती हूँ तुम उनसे बात बेहतर मिस्टर। पता नहीं तुम अपने अपने सोच के बटन कैसे ऑफ कर लेती। मेरे तो रात होते ही सारे बटन ऑन हो जाते हैं। देखना एक दिन ना मैं एक गिलास दूध में आपको अफीम डाल के पिला दूंगी, फिर देखना कितनी मीठी नींद आती है। खबरदार जो तुमने ऐसा सोचा। जाओ जाके सतार से कहो गाड़ी निकाले, मुझे जाना है। लेकिन आप घर क्यों बदल रही हैं? भाई फ्लैट की सीढ़ियां चढ़ चढ़ के मैं थक गई थी और वो लिफ्ट रोजाना खराब हो रही थी, किसी दिन भी टपक जाएगी। ये घर बहुत अच्छा है लेकिन शिफ्ट होने से पहले मैं चाह रही हूँ तुम एक नज़र देख। क्यों? तुम चेक कर लो भाई कि मेरे अलावा तो कोई और नहीं रहता वहाँ। क्या मतलब? कोई अनदेखी चीज हुई ना तो मैं पहली रात को ही अल्लाह को प्यारी हो जाऊंगी। बस कर दें। 5 सालों से बंद है और मालिक के मकान न्यूजीलैंड में। सुना है कि जिन भूतों को खाली घर बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत आराम से रहते हैं। लेकिन मेरा कोई वास्ता नहीं है जिन भूतों से। ये तुमसे ज्यादा बेहतर मैं जानती हूँ। अच्छा सुनो, तुमसे एक और बात करनी थी। जी जी। अफजाल भाई के बेटे को जानती हो ना? हाँ हाँ, मुईज ना। उसे कोई लड़की पसंद आ गई है। अच्छा, वेरी गुड। लेकिन उसके साथ कोई मसला है। क्या? पहले तुम प्रॉमिस करो कि तुम उसे मिलोगी। करते मुझे माफ कर दें प्लीज, मेरी खातिर एक दफा मिल लो उस लड़की से। वैसे हद करती हैं आप, मैं कोई एक्सरे मशीन नहीं हूँ। आके आप घर लेंगी तो मुझसे चेक कराएंगी, मुईज लड़की पसंद करेगा तो मुझसे चेक कराएंगी, और वो जो पुलिस वाला आपने मेरे पीछे लगा दिया। भाई लोगों के काम आ रही हो तो इसमें हर्ज क्या है? बस अब कोई नखरे वखरे नहीं चलेंगे। तुमने मिलना है उस लड़की से, वो कल आ रही है तुम्हें मिलने।